ये जो फोटोग्राफ है जी नहीं, गॉडेस मैम, कोई पहचानता है इस फोटोग्राफ को? आइसिस देखा ही पहली बार। आइसिस? यस यस गॉडेस यस, गॉडेस आइसिस। गॉडेस आइसिस, यस परफेक्ट। आइसिस आप इनको अच्छी तरह देखिए, फिर इनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चलूंगी, ठीक है? ये जो कार्ड्स है, ये गॉडेस आइसिस के कार्ड है जिनको बनाया गया है, और उनके मैसेजेस हैं जिसको हम बहुत मतलब अलग तरीके से और इलेबरेट करके समझेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये कार्ड क्यों चूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इसमें क्या स्पेशल है। सबसे पहले तो ये जो कार्ड मैंने लिए थे, ये मैं जब फैमिली कॉन्स्टेलेशन कर रही थी तो जर्मनी की मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे ये सजेस्ट किए थे कि आप गॉडेस आइसिस के कार्ड आप लो, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो मैंने मंगाया था और ये कार्ड्स मेरे पास रखे हुए थे, लेकिन इन कार्ड्स को कहने मैंने कभी यूज नहीं किया और ना ही मैंने कभी इनसे कोई हीलिंग की। मतलब इट्स बिन 2-3 मंथ्स, 2-3 मंथ्स तक वो ऐसे ही रखे रहे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो फॉरेनर थी, उसका कुछ प्रॉब्लम था, तो उसका रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, एंड इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं जो छोटे छोटे मैसेजेस लेके आते हैं, लेकिन अगर उनका डिटेल हम करें जो ऑलरेडी इन कार्ड्स के साथ ही होता है और जिसको हमको एक्चुअली पढ़ना है इन सारी क्लासेस में, तो जब मैंने ये कार्ड खोल के उसके लिए देखा कि उसका मैसेज क्या है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में क्या है, तो उसमें जो मैसेजेस आए थे और उसमें जो उसके लिए रिचुअल्स आए थे और जो हीलिंग आया था, वो उसमें 11 डेज और 21 डेज, दो मैंने उसको बताया था, करने के बाद उसका रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तब मुझे लगा कि ये कार्ड्स वाकई बहुत पावरफुल है और हम इन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये इसका एक स्पेशल चीज है कि ये कार्ड्स केवल फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको सारा बताते हैं ये कार्ड, लेकिन कार्ड में ही इसका पूरा सोल्यूशन है और पूरा एक बैकग्राउंड दिया हुआ है कि इस कार्ड में क्या क्या हो सकता है और इस कार्ड के थ्रू आप पूरी हीलिंग कैसे कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या होगी। तो पूरा सारा जो आपके स्पेस में चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका पूरा डिटेल आपको मिलता है। हालांकि जो मैसेजेस है वो तो एक लाइन के हैं, लेकिन इसका जो पूरा डिटेलिंग है वो बहुत बड़ा है, कम से कम दो दो ढाई ढाई पेज का इनका पूरा रिटन मैटर है जिसको आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने जब जापानीज मास्टर्स के साथ अपना ये ज्वाइन किया था ट्रेनिंग, तो हमको 1 साल लगा था वो सब कुछ सीखने के लिए कि भाई ये जापानीज मास्टर्स क्या सिखाते हैं। तो उनका बहुत सारा कुछ इजिप्शियन कल्चर से लिया गया था, तो वो सब हमने 1 साल में सीखा। लेकिन जब मैंने इस कार्ड को पढ़ा और देखा, तो वो जो 1 साल में हमने सीखा था, इसके 44 कार्ड्स हैं ये, इन 44 कार्ड्स में वो सारी हीलिंग है। और ये हीलिंग ऑर्डिनरी नहीं है, ये हीलिंग बहुत डीप रूटेड है और बहुत हाई पावर एनर्जी है, जिसमें कुंडलिनी एनर्जी भी है, जिसमें आपका सोल रिटीवर भी है। आपको अगर कोई धोखा दे रहा है तो हाउ टू क्रिएट दैट एनर्जी कि आप उससे बच पाए, वो सारी हीलिंग्स इसमें दी हुई है। एंड ये इतनी हाई पावर है कि अगर आप इसके रिचुअल्स को और जो उनका प्रोसेस दिया हुआ हीलिंग का, अगर आप 21 डेज, 11 डेज, 7 डेज या वो जो भी आपके लिए गाइडेंस आता है, वो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो गाइडेंस आपको उसमें ही मिल जाता है और आपको अलग से कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें ये बताना पड़ेगा या हमें याद रखना पड़ेगा। आपके पास नोट्स होंगे, आप उनको पढ़िए, देखिए और आप अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं और खुद के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक तरह का पूरा हीलिंग कोर्स है, इट इज जस्ट नॉट अ काइंड ऑफ रीडिंग ऑफ कार्ड, ये पूरा हीलिंग का कोर्स है जिसमें आपको एक एक कोर बताया जाता है कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ हीलिंग करनी है, आपको कौन से चक्रास से हीलिंग करनी है और आपको कैसे हीलिंग करनी है और कितने दिन तक करनी है, ये पूरा डिटेल उसमें आपको मिलता है। ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि जब ये कार्ड्स आप ओपन करते हो, जब आप इनको देखते हो, तो आपको अपने आप ही एक इंट्यूशन आता है कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट डे होगा कार्ड का, तो उस फर्स्ट डे में आपका अट्यूनमेंट गॉडेस आइसिस से किया जाता है, उसके बाद ये कार्ड आपके शुरू होते हैं।